व्यवस्था के अनुसार उन्होंने शब्बात पर विश्राम किया, किंतु सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही वे तैयार किए गए उबटन लेपों को लेकर कब्र की गुफा पर आईं। उन्होंने कब्र के द्वार का पत्थर कब्र से लुढ़का हुआ पाया, किंतु जब उन्होंने कब्र की गुफा में प्रवेश किया, वहां प्रभु मसीह यीशु का शव नहीं था। जब वे स्थिति का निरीक्षण कर ही रही थी, एकाएक उजले वस्त्रों में दो व्यक्ति उनके पास आ खड़े हुए। भय में डरी हुई स्त्रियों की दृष्टि भूमि की ओर ही थी कि उन्होंने स्त्रियों से प्रश्न किया, आप लोग एक जीवित को मरे हुओं के मध्य क्यों खोज रही हैं? वो यहां नहीं है, वो दोबारा जीवित हो गए हैं। याद कीजिए, जब वो आपके साथ गलील प्रदेश में थे, उन्होंने आपसे क्या कहा था? ये अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र कुकर्मियों के हाथों में सौंपा जाए, क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित हो जाए। अब उन्हें मसीह यीशु की बातों की याद आई। वे सभी स्त्रियां कब्र की गुफा से लौट गई और सारा हाल 11 शिष्यों तथा बाकियों को सुनाया। जिन स्त्रियों ने प्रेरितों को यह हाल सुनाया वे थीं मगदाला वासी मरियम, योहन्ना तथा याकूब की माता मरियम तथा उनके अलावा अन्य स्त्रियां। प्रेरितों को यह समाचार बेमतलब लगा, उन्होंने इसका विश्वास नहीं किया। किंतु पत्रस उठे और कब्र की गुफा की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने झुककर भीतर देखा और वहां उन्हें वे पट्टियां जो शव पर लपेटी गई थीं अलग रखी हुई दिखी। इस घटना पर अचंभित पत्रस घर लौट गए। उसी दिन दो शिष्य इमाउस नामक गांव की ओर जा रहे थे, जो यरूशलेम नगर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर था। सारा घटनाक्रम ही उनकी आपस की बातों का विषय था। जब वे विचार विमर्श और बातचीत में मग्न ही थे, स्वयं मसीह यीशु उनके पास पहुंचकर उनके साथ साथ चलने लगे, किंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थीं कि वे मसीह यीशु को पहचानने ना पाए। मसीह यीशु ने उनसे प्रश्न किया, आप लोग किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए, उनके मुख पर उदासी छाई हुई थी। उनमें से एक ने, जिसका नाम क्लोपस था, इसके उत्तर में उनसे ये प्रश्न किया, आप यरूशलेम में आए अकेले ऐसे परदेसी हैं कि आपको ये मालूम नहीं कि यहाँ इन दिनों में क्या क्या हुआ है? क्या क्या हुआ है? मसीह यीशु ने उनसे प्रश्न किया। उन्होंने उत्तर दिया, नाजरेतवासी मसीह यीशु से संबंधित घटनाएं, मसीह यीशु जो वास्तव में परमेश्वर और सभी जन साधारण की नजर में और काम में सामर्थी भविष्यद्वक्ता थे, उन्हें प्रधान पुरोहितों और हमारे सरदारों ने मृत्युदंड दिया और क्रूस पर चढ़ा दिया। हमारी आशा ये थी कि मसीह यीशु इज़राइल राष्ट्र को स्वतंत्र करवा देंगे। ये आज से 3 दिन पूर्व की घटना है, किंतु हमारे समुदाय की कुछ स्त्रियों ने हमें आश्चर्य में डाल दिया है। पौ फटते ही वे कब्र पर गई थी, किंतु उन्हें वहाँ मसीह यीशु का शव नहीं मिला। उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने वहाँ स्वर्ग दूतों को देखा है, जिन्होंने उन्हें सूचना दी कि मसीह यीशु जीवित हैं। हमारे कुछ साथी भी कब्र पर गए थे और उन्होंने ठीक वैसा ही पाया जैसा स्त्रियों ने बताया था, किंतु मसीह यीशु को उन्होंने नहीं देखा। तब मसीह यीशु ने उनसे कहा, ओ मूर्खों, भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद बुद्धियों, क्या मसीह के लिए जरूरी न था कि वो सभी यंत्रणाएं सहकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब मसीह यीशु ने पवित्र शास्त्र में स्वयं से संबंधित उन सभी लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया, मोशे से प्रारंभ कर सभी भविष्यद्वक्ताओं तक। तब वे उस गांव के पास पहुंचे जहां उनको जाना था। मसीह यीशु के व्यवहार से ऐसा भास हुआ मानो वो आगे बढ़ना चाह रहे हों, किंतु उन शिष्यों ने विनती की, हमारे साथ ही ठहर जाइए, क्योंकि दिन ढल चला है और शाम होने को है। इसलिए मसीह यीशु उनके साथ भीतर चले गए। जब वे सब भोजन के लिए बैठे, मसीह यीशु ने रोटी लेकर आशीर्वाद के साथ उसे तोड़ा और उन्हें दे दिया। तब उनकी आंखों को देखने लायक बना दिया गया और वे मसीह यीशु को पहचान गए, किंतु उसी क्षण मसीह यीशु उनकी आंखों से ओझल हो गए।
वे आपस में विचार करने लगे। मार्ग में जब वो हमसे बातचीत कर रहे थे और पवित्र शास्त्र की व्याख्या कर रहे थे तो हमारे मन में उत्तेजना हुई थी ना। तत्काल ही वे उठे और यरूशलेम को लौट गए। वहां उन्होंने 11 शिष्यों और अन्यों को जो वहां इकट्ठा थे ये कहते पाया, हाँ ये सच है, प्रभु मरे हुओं में से दोबारा जीवित हो गए हैं और शिमोन को दिखाई भी दिए हैं। तब इन दो शिष्यों ने भी मार्ग में हुई घटना का ब्यौरा सुनाया कि किस प्रकार भोजन करते समय वे मसीह यीशु को पहचानने में समर्थ हो गए थे।